गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास नाइन्थ का जो लेसन पढ़ रहे थे आयुर्वेदा लेसन का, उसका वोकैबुलरी पार्ट है ना। मैच द पार्ट ऑफ द बॉडी विद द सिम्टम्स मेंटेनेड इन द पोयम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो शरीर के भाग हैं है ना, उससे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसको लिखना है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पहला नॉस। नॉस का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है ना, कोल्ड स्टफी नॉस। तो यहाँ पर नाक के द्वारा हमको ठंड लग सकता है और बुखार आ सकता है। बॉडी में क्या है, फीवर, चिल और फ्लू हो सकता है बॉडी में। स्टोमच में स्टूडेंट एक है ना। तीसरा आप देख सकते हैं एक होगा। और थ्रॉट मतलब थ्रॉट, खांसी में क्या क्या होगा, सोर, कप और स्लर्ड होगा। पांचवा है आइस। आइस में स्टूडेंट्स ब्लर्टेड होगा, ब्लर्टेड है ना। और हेड में फीवर होगा। सातवा एंकल में स्प्रेन होगा। और आठवा है स्किन में रस जो बोलते हैं ना, वही होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन फाइव। तो आपने देखा था जो आयुर्वेद वाला लेसन है ना, उसमें दादी माँ सुमन को आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि कंप्लीट द वे विथ वर्ड रिलेटेड टू फीवर, मतलब एक व्यक्ति को क्या क्या फीवर बुखार आ सकता है ना। तो आप देख सकते हैं फीवर पहले दिया हुआ है चील है ना। दूसरा स्वेट्स से हमको बुखार आ सकता है, जो पसीना होता है हमको। फ्लाई तो मक्खी के द्वारा हमको फीवर हो सकता है ना। और सैक्स मतलब उसके द्वारा भी हमको फीवर हो सकता है। टेम्परेचर मतलब जब अगर तापमान बढ़ा रहेगा शरीर का है ना, या मौसम का तापमान बढ़ा रहेगा तो हमको बुखार आ सकता है। माउथ बिटर है ना, अगर हमारा मुंह कड़वा कड़वा लगता है तो हमको फीवर हो सकता है स्टूडेंट। और कोल्ड जब हमें ठंड लगे तो भी हमको बुखार हो सकता है। बॉडी एक अगर बॉडी में दर्द हो है ना, तो हमको बुखार हो सकता है ना। तो आपने देखा बहुत ही अच्छी चीज़ें दी हुई है यहाँ पर। तो स्टूडेंट इसी तरह क्या है ये लेसन क्या है, मैं आगे देखते हैं ये लेसन में। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस लेसन में बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिली हमें। अब मैं आपको नेक्स्ट लेसन में इसको जो यूनिट फोर है ना, ट्रेवल एंड टूरिज्म को पढ़ाऊंगा। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, रीडिंग ए द आइज हैव इट पढ़ेंगे, मतलब इसका अर्थ होता है आँखें है, द मडल हेड है ना, मडल हेड मतलब कीचड़ में जो सिर होता है उसको बोलते हैं। मैन पार्ट के बारे में जानेंगे कि मैन पार्ट कहाँ है। तो मैन पार्ट कहाँ है, बस्तर में मैन पार्ट है ना। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है, अगले लेसन में हम बढ़िया से इसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।